Assalamualaikum everyone, welcome back to another vlog. तो ये vlog पूरा अनाप की शादी का होने वाला है. हमने इतने मजे किए, मैंने और मेरे friend, मेरे cousins ने. तो पूरा vlog जरूर देखना. ओके, हियर इज माई वेरी वेरी ब्यूटिफुल ब्राइड अन्ना. माशाल्लाह शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. मतलब हम बहुत बचपन से साथ हैं, हमारी फैमिलीज बेस्टीज है, लाइक रिश्तेदारी है. तो शी इज़ लाइक माई बेस्ट फ्रेंड. और अभी अनाप की हल्दी चल रही है एंड शी वॉज लुकिंग वेरी वेरी ब्यूटिफुल माशाल्लाह. और यहाँ पे सारे रिचुअल्स वगैरह चल रहे हैं. तो आज मेरी एक और सिस्टर की हल्दी है, साबरीन. फिर यहाँ पे सब ज़ोरदार हल्दी खेल रहे थे. मुझे तो सिर्फ मेरी आउटफिट की टेंशन हो रही थी. और फिर रात में कवाली नाइट थी, हमने कवाली नाइट अटेंड की और बहुत मज़ा आई. फिर अगले दिन शादी थी तो बहुत थक गए थे, तो मैं फटफट घर गई. एंड ये मेरा बिफोर है और ये मेरा आफ्टर है. ये मैंने पहना है, इट्स अ केप फ्रॉम दुबई एंड इट्स सो ब्यूटिफुल. लाइक बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा था ये कहाँ से आउटफिट है, शादी में भी कितने लोगों ने पूछा था. तो ये मैंने दुबई से लिया है. ओके, रेडी होने के बाद मैं, अमश एंड नुमान निकल गए कुर्ला के लिए, क्योंकि शादी कुर्ला में थी एंड मुझे मेरे कज़न्स को भी पिक करना था. बहुत ही मज़े करते हुए हम लोग रास्ते से गए हैं. फिर ट्रैफिक में ना हमें ये अंकल मिल गए. अभी तो ये नहीं देख रहे हैं यहाँ, बट वो हमें बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स कर रहे थे एंड ही वॉज़ रियली क्यूट. उसके बाद फाइनली हम लोकेशन पर पहुँच गए, अनाप की शादी में पहुँच गए. एंड हियर इज़ माई वेरी 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 ब्यूटिफुल ब्राइड अनाप, माई बेस्ट फ्रेंड. आई लव हर सो मच. फिर उसके बाद हमने बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक किए और स्टेज पे ही खड़े रह के हम सारे फ्रेंड्स लोगों के आउटफिट को सीरियसली रेट कर रहे थे और इतनी मजाक उड़ा रहे थे ना एक दूसरे की, मैं क्या ही बताऊं. उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पहुँची तो मुझे पता चला जो मैंने केक ऑर्डर किया था अनाप के लिए, वो तो केक बच्चों ने मिलकर गिरा दिया है. ये मैंने फ्रेश ब्लॉसम से ऑर्डर किया था और अनफॉर्चुनेटली केक गिरा दिया. और गिराया किसने मैं बताऊं, इसने गिराया, या अनाप का भाई है जिसने पूरा केक गिरा दिया था. एंड आई एम टोटली ऑब्सेस्ड विद माई आउटफिट. मुझसे ज़्यादा लोग ऑब्सेस्ड थे इस आउटफिट से. एनीवेज, तो उसके बाद हम स्टेज पे ही थे पूरा टाइम, बिकॉज अनाप वॉज जस्ट नॉट लीविंग अस. हम स्टेज से जाने नहीं दे रही थी. उसके बाद खाना खाने का टाइम आया. खाना माशाल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा था, इतना ज़्यादा अच्छा था कि हमने तो भर भर के खाया, टू बी ऑनेस्ट. अरे क्लैप तो करो. फिर फाइनली पूरा फंक्शन ख़त्म हो चुका था. अब थी अनाप की विदाई की बारी और यहाँ सब रो रहे. ये मेरी मॉम एंड अनाप है और मैं तो नहीं रो रही थी, बिकॉज़ आई न्यू कि अनाप मेरे साथ ही ऑलमोस्ट रहने वाली है. देन फाइनली अनाप वेंट एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हर माशाल्लाह. अगले दिन फिर हम उठे, बहुत थक गए थे. पैरों में तो मेरे इतना दर्द कर रहा था बिकॉज ऑफ द हील्स. फिर भी मैं रेडी होके निकल ही गई. और फिर आज मुझे दो जगह जाना था, एक मेरी सिस्टर की वेडिंग थी और दूसरी अनाप का वलीमा था. मुझे दोनों एनी हाउ अटेंड करना ही था, वरना दोनों भी मुझे मार डालते. तो ये है मेरा आउटफिट आज का. आज का आउटफिट मुझे बहुत अच्छा लगा. ये भी मैंने दुबई से लाई हूँ एंड आई एम ऑब्सेस्ड विद इट. एंड हियर इज़ माई हस्बैंड, आई लव हिम द मोस्ट. फिर अब मेरी कज़न का तो हमने निकाह अटेंड कर लिया था, अब हमें भागना था अनाप के वहाँ. अब ये जो स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है. अब जब हम अनाप के वहाँ पहुँचे तो ऑलमोस्ट सारी शादी ख़त्म हो चुकी थी और हम एंड में पहुँचे हैं. अनाप वॉज सो इरिटेटेड, बट स्टिल पूरा हॉल खाली हो चुका था. हम आई थिंक 3-4 घंटे वहाँ बैठ के चिल कर रहे थे दूल्हा दुल्हन के साथ. दूल्हा दुल्हन ही हमें नहीं जाने दे रहे थे, पर फिर भी हम 3-4 घंटे बैठे वहाँ, बहुत मज़े किए. और फिर उसके बाद हम निकल गए. दैट्स ऑल, दोनों दिन का ख़त्म हो चुका था. दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई लव यू गाइज सो मच. एंड ज़रूर नेक्स्ट व्लॉग के लिए वेट करना. नेक्स्ट व्लॉग बहुत ही अमेजिंग होने वाला है. सो डू लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल.